और एस म्यूजिक प्रेजेंट्स। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज आपा सगला भक्त नरसी मेहतारी कथा नानी बाईरो मायरो कथा रे दूसरे दिन आपा सगला आज प्रवेश करावा। तो महाराज कल कौन कौन सी कथा हुई थी याद है? कल कौन कौन सी कथा हुई थी नहीं याद? अच्छा आज से आपको डेली का होमवर्क है, डेली याद करना कि कल कौन कौन सी कथा हुई और हमेशा पूछी जाएंगे आपसे, ठीक है? तो महाराज कल हमने नरसी जी के पूर्व जन्म की कथा सुनी कि नरसी जी पूर्व जन्म में राजा मुचकुंद थे और भगवान के वरदान से उनका जन्म जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण परिवार में होता है। उनके जन्म लेते ही कुछ दिनों के बाद में उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। नरसी जी का लालन पालन उनकी दादी जय कुंवरी ने किया और नरसी जी जन्म सु गूंगा और बैरा था। महादेव जी री कृपा सु बे बोलन लग गया। उनरो ब्याह माणिक गोरी जी रे साथ हुआ। उनरे दो संतान हुए, बड़ा बेटा श्यामलदास और छोटी बेटी जिरो नाम हरनंदी मतलब नानी बाई। नरसी जी अपनी 56 करोड़ की सारी संपत्ति दान में लुटा देवे हैं और वन में जा करके महादेव जी री भक्ति करें। उनरी भक्ति सु खुश हो करके महादेव जी ने उनसु वरदान मांगन रे वास्ते बोलो। तो महाराज नरसी जी ने वरदान में क्या मांगा कि मुझे राधा कृष्ण के महाराज के दर्शन करने हैं। भोले बाबा नरसी जी को वृंदावन में लेकर जाते हैं, वहां महाराज के दर्शन करते हैं एवं भोले बाबा नरसी जी को
ठाकुर जी से मिलवाते हैं, उनका परिचय करवाते हैं। नरसिंह जी काफी दिनों तक गौलोक में रहते हैं और नित्य रास का दर्शन करते हैं। कल तक हमने यहां तक की कथा सुनी थी। तो महाराज नरसिंह जी सु ठाकुर जी बोलिया कि नरसिंह जी अब आपने वापिस पृथ्वी लोक पर जानो पड़ेला। नरसिंह जी ठाकुर जी चरणा माथे रोन लाग गया। प्रभु जो एक बार आपरे चरणा में आ जावे, आपरे लोक में आ जावे, कदे वुन भी वापिस जानो पड़ो है कि? दूजी बात, चलो आपरी आज्ञा महारे शिर माते, जब मैं चलिया भी जाऊला तो मैं रहूं कठेगा। आप बोल रहे हो अपनी गृहस्थी रो पालन करो, पर मैं रहूं कठेगा। ठाकुर जी ने कहा, भक्तराज तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि नरसिंह जी के लिए एक बढ़िया सी हवेली को तैयार करो और उसके अंदर उनरे खाने पिंडरी सामग्री री एक सालरी व्यवस्था कर दो। विश्वकर्मा जी ने जूनागढ़ रे महार गांव रे बार रे पास से एक हवेली बनाई, उरे माई एक वर्ष री खाने पिंडरी सामग्री री व्यवस्था कर दी। अब महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी सु बोलिया, प्रभु कदे मैं पृथ्वी लोक पर जार आपने भूल ना जाऊला, क्योंकि ग्रस्त धर्म जो होता है इसमें न जाने मनुष्य को अनेकों संकटों का सामना करना पड़े, कदे मैं आपने भूल ना जाऊला। ठाकुर जी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये राग केदार देता हूं, तुम जब भी राग केदार गाओगे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और महाराज फिर नरसिंह जी ने पूछो, भाई जी ने संगीत रो ज्ञान ही नहीं हो, प्रभु आ राग केदार कहीं होवे और किकर गाई जावे? ठाकुर जी ने नरसिंह जी रे सिर माथे हाथ राख्यो, उनरे हाथ रखते ही नरसिंह जी रो सारी संगीत विद्या रो ज्ञान हो गयो। देखो ठाकुर जी के बारे में एक बात कही गई है कि द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले, कि जब ठाकुर जी अपनी दया का दरवाजा खोल देते हैं तो गूंगा भी पांचवें स्वर में गाने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। देखो महाराज अपा सगला दुनिया रो आश्रय ले, मतलब कि ओ मेरो ओ काम कर देवला तो मैं खुश हूं, इन नहीं करो तो मैं नाराज होगी हूं। आश्रय किसका लेना चाहिए? जो सत्य है, जो कभी बदले नहीं। तो बताइए संसार में सत्य क्या है जो कभी बदलता ना हो? रिश्ते नाते यहां तक पृथ्वी सब कुछ बदलता रहता है, मनुष्य भी प्रतिदिन बदलता है। यहां कितने जिनको याद है कि उन्होंने अपना बचपन कब छोड़ा था? किस किस को याद है जरा हाथ उठाना, किस दिन की छोड़ो किस साल छोड़ा था ये भी नहीं पता, क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। एक ठाकुर जी हैं, एक भगवान है जो कभी नहीं बदलते। आज हम हैं तो भी वे हैं, हम नहीं रहेंगे तो भी वे रहेंगे, और जब हम नहीं थे हमारे पूर्वजों से पहले तब भी वे थे। इसलिए हमेशा आश्रय किसका लो? भगवान का, जो कभी बदले नहीं। आजकल महाराज हम देखते हैं कि मनुष्य के पास हर चीज के लिए समय है, खाने के लिए समय,
पीने के लिए समय, ऑफिस जाने का भी टाइम फिक्स है, किसी रिश्तेदार के घर जाना तो भी टाइम फिक्स है, पर महाराज पूजा रो समय हो है, सोचा आज मंदिर जानो है, उनके लिए कोई फिक्स समय नहीं। हाँ टाइम मिला तो कर दी पूजा, चले गए मंदिर दर्शन कर लिए, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने घड़ी बनाई है, जिसने समय को बनाया, जिसने हमको बनाया, हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं। तो महाराज हम ये तो नहीं कहते कि आप 24 घंटे भगवान को दो या सब वैरागी हो जाओ। देखो महाराज, आप जीवन में काम को यदि भगवान से जोड़ दोगे तो वो भी एक भजन ही है। महाराष्ट्र में एक विठल भगवान की भक्त हुई, जिनरो नाम हो जमुना बाई। तुम्हारा जमुना बाई रो ओ नियम हो कि वो कोई भी काम करती तो विठल 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 हमेशा गाती रहती। विठल बोलते हैं, ठाकुर जी को बोलते हैं, वहां पर हमेशा भगवान विठल का नाम अपने जिह्वा पर रखती। तो एक दिन क्या होता है कि जमुना बाई के उपले समझते हो, थेपड़ी बोलनी जी ने कई जगह गोष्ठ बोलते हैं, तो वो चोरी हो गई। तो महाराज नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए थे, बे बटे पधारे, बोले कि क्या हुआ, तो सबने बताया कि भाई जमुना बाई के उपले जो थे वो चोरी हो गई, अब पता नहीं किसने लिए। नामदेव जी ने कहा ये मैं बता सकता हूं कि जमुना बाई के उपले किसने लिए और कहां हैं। तो महाराज उन्होंने जितने भी वो बटोड़े वगैरह होते हैं सभी जगह गए और सबके कान लगा लगा करके उपलों के देखा, परंतु आश्चर्य जो जमुना बाई के उपले थे उनमें से विठल 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 की ध्वनि आ रही। तो महाराज यही है कि जीवन में अपने काम करते रहो, परमात्मा का जो नाम है हमेशा जीवा पर रखो। तो महाराज ठाकुर जी नरसी जी ने राग के दारो, कंठी माला टोपी इत्यादि देते हैं और उनको आशीर्वाद देते। आशीर्वाद देते ही महाराज नरसी जी जू ही आख्या खोलें तो अपने आप ने जूनागढ़ रमाई पावे। अब नरसी जी जूनागढ़ रमाई जू ही आया, एक बूढ़ा सा ब्राह्मण रो वेश बनार बटे आयो। बता दे कि वो बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में स्वयं विश्वकर्मा जी थे। तो उन्होंने कहा नरसी जी ये आपका रहने का स्थान है, कृपा करके ये आपकी हवेली है, आप इसमें निवास करो। अब नरसी जी आपरी लुगाई ने साथ ले रहे, आपरे छोरे ने साथ ले हवेली माथे गया। ठाकुर जी ने एक वर्ष की सामग्री व्यवस्था कर दी थी कि भाई एक वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नरसी जी ने सोचो कि जब मैं भिक्षा मांग मांग ल्यार ल्यार खाया कर तो तुम मने कितना का लोग दुत्कारता, मने भली बुरी कहता, न जाने मुझे बहुत सा अपमान सहना पड़ा, न जाने मेरे जैसे इस नगरी में कितने लोग हैं जिनको भी इन सब बातों का सामना करना पड़ता होगा। तो महाराज नरसी जी आप रे जैसा जो लोग थे संत महात्मा थे उन्हें ढूंढने वास्ते नगरी माते चला गया। कुछ लूले थे, लूले कोई लंगड़े बहरे गूंगे उनरे पास जार। नरसी जी बोला संतो भजन करो और मेरे साथे चालो। सूरदास बोला नरसी जी भजन काई करा, भूखे पेट भजन नहीं होवे। नरसी जी कई
आप भजन री चिंता मत करो, आप आपको पेट भर के भोजन मिलेगा। आप मेरे साथ माते चलो सूरदासा कई नरसी जी, जब भजन भोजन मिल जाएगा तो भजन री कमी तो मैं खुद ही ना रहन दूंगा। नरसी जी सूर्या ने साथे ले आपरी हवेली माते आ गया और आपरी लुगाई ने हुकुम दियो कि बढ़िया चकाचक भोजन बना ले, मेवा मिष्ठान खीर मालपुआ जलेबी रसगुल्ले तरह तरह के पकवान बना ले। नरसिंह जी री लुगाई ने तरह तरह के पकवान इत्यादि बना लिए। पहले ठाकुर जी ने भोग लगायो, पछे महाराज सूर्या री पंगत बैठ गई। अब सूर्या खावे और मजे से गावे। नटवरे नागरे नंदा पजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा पजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा पजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा पजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा पजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा पजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा पजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा पजोरे मन गोविंदा। सेवा के साथ में गई है आपकी श्री राधे। जय हो। नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय जय श्री राधे। नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। पागल बना दिया है, पागल बना दिया है मुरली ने तेरी मोहर, ये दिल चुरा लिया है, पागल बना दिया है, पागल बना दिया है। बाकी छटा जो देखी
हैरान हो गया हूँ। बाकी जटा जो देखी हैरान हो गया, बाकी छटा जो देखी हैरान हो गया, बाकी छटा जो देखी हैरान हो गया। अनमोल रतन पाकर धनवान हो गया, अनमोल रतन पाकर भगवान हो गया। गोपाल का नजारा मोहन का नजारा मन में बसा लिया है, मोगल बना दिया है, पागल बना दिया है। मुरली ने तेरी मोहन पागल बना दिया है, नटवर नागर बजोरे मन भोले नंदा, नटवर नागर नंदा 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 बजोरे मन भोले नंदा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की जय हो। तुम राजा अब संत महात्मा जिमन जी में और राम जी रा भजन गावे। अब महाराज 16 सूर्या जको भजन करे और भोजन करे, ठाकुर जी ने जो खाद्य सामग्री री व्यवस्था करी थी वो तो भाई नरसिंह जी रे परिवार वास्ते धनी लुगाई और छोरो तीनारे वास्ते एक साल री व्यवस्था थी, पर महाराज इतना जना जिमन जिमेगा जो को बा सामग्री कत्ता दिन चाल सी, एक महीने भी बा सामग्री नहीं चाली। एक दिन नरसिंह जी री लुगाई नरसिंह जी ने बोली, आप तो बस हुक्म दे दो भजन करो और भोजन करो, पर मैं आपने आप रे सूचना रे वास्ते बता देऊं कि खाद्य सामग्री खत्म होएगी, बस अब ई टाइम भोजन बनेला, बाद में भोजन नहीं बनेला, भोजन री सामग्री री व्यवस्था करो। नरसी जी कही थोड़ी बहुत तो होगी आज आज री तो, नरसी जी री लुगाई बोली, आवाज नहीं। हाँ चिंता मत करो आप कि जितने भी डिब्बे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जो सामग्री होगी उनकी मैं खिचड़ी बना देऊंगा, पर कल कल माते कुछ भी सामग्री नहीं रखी है, आप व्यवस्था करो कोई। अब नरसिंह जी री लुगाई वह सारी सामग्री एकत्रित कर खिचड़ी बनाई और सारा ने जिमाया। अब महाराज सामग्री तो खत्म होगी, अब नरसिंह जी सूर्या ने साथे ले जटा भी गांव में जिमण हो तो बटे जिमण चला जाता, आगे आगे नरसिंह जी लारे लारे 16 सूर्या। और महाराज नरसिंह जी तो थोड़ा सा जिमता, पर जो को सूर्या था एक एक सूर्यो पांच पांच शेर जिम जाते, गांव वाला परेशान हो गया। और नरसिंह जी आवे जो जको आवे पर यो 16 सूर्या ने माते लावे और ये एडो इतनो इतनो भोजन खाई जावे। तो महाराज देखो कोई भी जिमणवार करे तो वो अपने हिसाब सु करे कि भाई इतना आदमियां रो खानो है कि नहीं, पर जब को फालतू आ जावे तो भाई कोई गणा श्याणा होवे बस तो दाल माते पानी मिला क्यूकर जुकर करके व्यवस्था बना दे। जय जय श्री राम। पर महाराज जिमण ने जको जितना उन्हें निमंत्रण दियड़ो है उतना ही जाना चाहिए। एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया, सुना तू। एक आदमी था तो उसके मित्र ने उसको कहा कि
कि आज रात का भोजन हमारे घर भाभी जी को ले आना, ठीक है। अब ऊ आदमी रे कत्ता टाबर 11 टाबर कत्ता बालक 11 बालक। अब जको जो मित्र निमंत्रण दियो थो तो उनरी लुगाई भई दो आपी हो गया और दो बे हो जावला तो 4 आदमी आरी भोजन बना लियो, खुश हो रिया। अब भी धनी जा रहा आपरी लुगाई ने कहो कि आज भोजन रो निमंत्रण मित्र रह गए बटे चालो ला। लुगाई की वो बोझ तो ठीक है पर आ रेल कटे जावली, मैं तो मेरा बालका ने छोड़ना जी मन जाऊं। देखो बाप है वो तो पच्छे भी चलो जावे पर माँ को बालका खतर जी बड़े खुद भूखी रह जावली पर आप रे बालका री व्यवस्था पहली करे। बोली जको मैं चली भी जाऊली तो पच्छे आ रे इन्हें भोजन कौन परोस परोस दे वाला, आप तो चला जाओ मैं नहीं जा रही। तो धनी बोलो भाई और तो कई हुए बालका ने सत ले चल, एक ने ले चल छोटोड़ा ने। अब छोटोड़े की कह जो दूसरों पापा मैं भी जाऊं, देखो दूसरों के पापा मैं भी जाऊं मम्मी मैं भी जाऊं सारे गैल हो लिए। अब एक बालका था जो वो स्कूल में गई हुई थी एक लड़की, मित्र घर गया। अब महाराज मित्र ने खुशी खुशी दरवाजो खोलियो कोलो तो धनी लुगाई नमस्ते भाभी जी नमस्ते भाई जी, अरे तक तो ठीक है। अब लारानी शुरू होगी, अंकल नमस्ते अंकल नमस्ते अंकल नमस्ते। अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महाराज मित्र तो चिंता में पड़ गयो, कितने लज्जा नहीं आई मतलब उन रो कह रो अर्थ का ही हो कितने शर्म नहीं आई तू अब तक जना ने साथ ले रहा है। महाराज जो मित्र तो दूध जो वो बोलो कि लज्जा स्कूल गई है क्योंकि लज्जा उन रही बेटी रो नाम तो। महाराज देखो जितने लोगों ने निमंत्रण दे जावे भाई जीवनो चाहिए फालतू ले जाओ जको यही कहानी हुआ। तो महाराज अब एक दिन नरसी जी री लुगाई नरसी जी ने बोली पतिदेव जी आपनो जो बेटो है सांबलदास वो ब्याह योग्य हो गयो। तो महाराज एक तो आप रे घरां खांड रे वास्ते दानो नहीं है तो गरीब रे घर में छोरी कौन दे वल्ला। दूजोड़ी बात आ है जे कोई परिवार वाला मदद कर दी आ बात भी नहीं है, क्यों क्योंकि परिवार वाले लोग तो नरसी जी सु इस्या करया करता। नरसी जी आपरी लुगाई ने समझाई देवी काहे की चिंता करती हो, मैं तुमसे बार बार कहता हूं आपनो बेटो नहीं है यो, ओ तो ठाकुर जी रो बेटो है आपने तो कुछ नहीं है, तू काहे की चिंता कर जिनरो छोरो है वो इरो ध्यान आपे राख ला तू चिंता मती कर। ए महाराज दूजोड़ी तरफ वड नगर के दीवान पद पर प्रतिष्ठित मदन राय जी मेहता उनरी बेटी रे वास्ते कोई योग्य वर नहीं मिल रहे हो। मदन राय जी रे पास खूब संपत्ति थी खूब धनमान थे पण कोई योग्य वर नहीं मिल रहे हो। तो महाराज उन्हें अपने परिवार वाला लोगों ने इकट्ठा किया और बुझो भाई मारी बेटी झूठी बाई उन नाम का ही हो झूठी बाई सूरसेना भी बोलते जिसको झूठी बाई रे वास्ते कोई योग्य वर नहीं मिल रहे हो, आप माने कोई सुझाव दे
कि माने कठे जानो चाहिए ईरे रिश्ते वास्ते। परिवार वाला लोगा कही, देखो मदन राय जी, आपने अठे आसे पासे तो कोई बढ़िया घर नहीं है, पर जूनागढ़ में ब्राह्मणों के 700 घर हैं, होनी हो बटे कोई ना कोई रिश्तो जरूर जचावला। अब मदन राय जी दीक्षित पुरोहित जो ब्राह्मण पहले पंडितों को भेजा करते थे, तो दीक्षित जी को जूनागढ़ माते भेजे। मदन राय जीरो एक मित्र जीरो नाम सारंग धरे, बे जूनागढ़ में ही रिया करता। उनरे नाम मदन राय जी एक पत्र लिखे और उ पत्र माते लिखे कि सादर से प्रेम नमस्कार, मेरी पुत्री जूटी बाई विवाह योग्य हो गई, उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहे, अतः आप सु अनुग्रह है कि आप कोई अच्छा सा वर देकर दीक्षित जी ने दिखाकर रिश्ता पक्का कर देना। दीक्षित जी वह चिट्ठी लेर आप रे रथ पर सवार होर जूनागढ़ आवे। अब महाराज जूनागढ़ में देखो शाम की टाइम हुए, जब गांव में जो चूतरा हुए मेन मेन जगह हुए, बटे गांव के कुछ लोग बैठे रहते हैं, हर टाइम मिलते हैं, होता है कई जगह ताश खेलते हुए मिलते हैं, कई जगह गपशप करते हुए मिलते हैं, पर मिलते हैं। तो महाराज जब बूढ़े बुजुर्गों को छोटे बड़े इत्यादियों को चबूतरे पे देखा तो दीक्षित जी ने अपना रथ रोक लिया और रथ रोक बटे बैठा लोगा सु पूछो कि भाई सारंग धरजीरो घर किन्ने है। तो महाराज बड़े बैठोड़ा सारंग दर्जी खड़ा होर बोला कि बोलो मैं सारंग धर हूं, आपने मारू सु काई काम है। तो दीक्षित जी ने कही कि मैं वडनगर सु आयो हूं, मदन राय मेहता जी माने भेजो है और ओ आप रे नाम एक पत्र लिखो है कि माने उंडरी बेटी रे वास्ते योग्य वर दिखानो है। अब सारंग दर्जी दीक्षित जी ने अपने साथे लेर आपरी हवेली में आ जावे। अब महाराज जो ही गांव वाला लोगा ने ओ पतो चालो कि वडनगर सु दीवान मदन राय मेहता अनि बहुत बड़े धनवान परिवार सु दीक्षित जी और योग्य वर की तलाश देखने वास्ते जूनागढ़ माई आया है। तो महाराज गांव रे लोग बहाना बना बना रे सारंग दर्जी रे घर आनो शुरू कर दियो। अब महाराज सारंग दर्जी ने दीक्षित जी को साथ लेर अनेकों रिश्ते दिखाए, पर कोई भी रिश्तो जच्चो नहीं। कम से कम सारंग दर्जी ने दीक्षित जी ने 100-200 लड़का दिखाया, पर दीक्षित जी ने एक भी नहीं जच्चो। तो महाराज अंत में दीक्षित जी तंग आर मनी मन सोचन लगा कि मने सारंग दर अच्छो लड़को दिखानो नहीं चावे, और सारंग दर मन में सोचन लाग रहे हो कि मैंने इससे घना बढ़िया बढ़िया रिश्ता दिखा दिया, पर बड़ा अजीब आदमी एक भी पसंद नहीं आता, अब मैं इसको ऐसा घर दिखाऊंगा कि ये भी याद रखेगा। सारंग दर जी दीक्षित जी ने अपने साथे ले रहे नरसी मेहता जी री हवेली रे आगे आवे और हवेली रे माते इशारो कर बोला कि ये जो आपको हवेली दिखाई दे रही है ना,
मारे ही परिवार के एक बहुत बड़े मुखिया की हवेली है। आप बैठे जाओ, बन रहे एक योग्य लड़को भी है पण महाराज उन्होंने तो कटाक्ष करे तो मजाक करी थी। अब जो ही दीक्षित जी नरसी जी रे घर प्रवेश करें तो नरसी जी तो आप रे हरि कीर्तन में मस्त। अब नरसी जी कीर्तन करता देख दीक्षित जी बड़ा खुश होया और मन में विचार करन लग गया कि वाह कितनी शांति है इस ग्राम माते। देखो महाराज आप मंदिर में जावा कितनी शांति मिला, आप आठे दरबार में बैठा हाँ केड़ो मन खुश हो रहे हो है, कति शांति मिल रही है। तो महाराज अब दीक्षित जी सोचन लगा कि मन एड़ो ही कोई लड़को मिल जाए एड़ो शांत स्वभाव रोजीने देख मेरो दिल खुश हो जावे। जूही नरसी जी भजन सु उठा दीक्षित जी सु प्रणाम करो, श्रीमान आप कहां से पधारे हो, आपने मारे सु काई काम है। दीक्षित जी बोलिया मैं वडनगर सु आया हां और मदन राय जी री पुत्री रे वास्ते वर देखण रे वास्ते जूनागढ़ माते आया। मैं सुनी है नरसी जी थारे एक बड़ो सुशील सुंदर लड़को है छोरो है। नरसी जी कही भाई संसार में आज के दिन लोग उसी को सुंदर सुशील गुणवान संस्कारी मानते हैं जिसके पास धन है। तो देखो भाई मेरे पास तो धन नहीं है, इस हिसाब से मैं तो ना तो गुण है मेरे बेटे में ना सुशील। दीक्षित जी ने कहा नरसी जी भक्तराज मेरे को पागल मत बनाओ, व्यर्थ की बातों में मत उलझाओ। क्यों? क्योंकि धन जो माया है वो तो आनी जानी है भाई। एक नोट है 500 का मशीन से छप कर निकलता है, न जानो कितनों के हाथ से होकर वो कहां कहां जाता है। तो ये तो माया तो आनी जानी चीज है पर संस्कार सबसे बड़ा धन तो भगवान के नाम का धन है। कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ने कोय, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। कि सारा संसार में सब निर्धन है चाहे उसके पास कितना भी धन हो और वो निर्धन होकर भी धनवान है जिसके पास प्रभु नाम रूपी धन है। तो मैंने आपके अंदर वही देखा है। अब इतने में ही श्यामलदास जी वहां आ जाते हैं। श्यामलदास जी को देखकर दीक्षित जी का मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उनका चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा। तो दीक्षित जी ने तिलक किया, चांदी का नारियल हाथ में थमाया और बोले कि आज से रिश्ता पक्का। नरसी जी आप रा बेटा श्यामलदास रो रिश्तो, मैं मदन राय जी री पुत्री झूठी बाई यानी सूरसेना रे साथ तय करूं। अब रिश्तो तय करके दीक्षित जी वडनगर पहुंचे, बटे मदन राय जी ने खबर करे कि मैं रिश्तो पक्को करायो। पने सब संस्कार हैं, भक्त हैं, सब काम है, बस धन की कमी है। मदन राय जी कही भाई धनरी तो कोई बात नहीं, आपने माथे गणो ही धन है, 1-2 लाख दे दे वाला तो काई कमी पड़ेगी। अब महाराज इधर आ बात जूनागढ़ माते पतु चले परिवार वाले लोगा ने, वो तो वैसे ही नरसी जी ईर्ष्या करया करता, उन हृदय में आग लाग जावे तो वे परिवार वाले लोगा ने आगे करके सारंग दर्जी सु एक पत्र लिखवावे। उ पत्र में काई लिखवावे कि सादर नमस्कार
प्रिय मदन राय जी, आपने आपरी पुत्री रे विवाह वास्ते लड़को देखने लिए जूनागढ़ में आपने दीक्षित जी नु भेजा था, पर दीक्षित जी ने किसी धनवान किसी बढ़िया घर में रिश्ता ना देख करके दिन एकदम से निर्धन पाखंडी ढोंगी और परिवार से निष्कासित उस नरसी के बेटे को रिश्ता तय किया है। यदि आपरी आप इतने बड़े दीवान आप को यदि जरा सी भी आपरी इज्जत रही परवाह है, ये रिश्ता छोड़ दीजिएगा, एक दूसरी जगह अपना रिश्ता तय कर ले। अमराज जुई ओ पत्र वडनगर पूछे मदन राय जी पढ़े और देख लगा सोचने लगा का ब्यारा तो कुछ ही दिन बचा है और ब्यारी सारी तैयारियां होगी, सारे निमंत्रण भेज दियो। अब जब ब्याह नहीं हुयो तो बेचती हो जावली, ऐसो मैं काई करूं। सोच विचार मदन राय जी एक पत्र नरसी जी ने लिखे हैं, उन पत्र में लिखे हैं कि भक्तराज नरसी जी को सादर नमस्कार, आपके पुत्र का विवाह मेरी बेटी मेरी बेटी झूठी बाई के साथ में उक्त तिथि को पंचमी तिथि को तय किया गया है। आप यदि उक्त तिथि पर घोड़े रथ पैदल चतुरंगिनी वृत बारात के साथ में आ सकते हो और हमारी कुल मर्यादा के अनुसार धन आभूषण इत्यादि लाओ तो ही मैं अपनी बेटी का रिश्ता आप रे बेटे रे साथ करूला, नहीं तो मन विवश होर कठे और आपनी बेटी रो रिश्तो करनो पड़ेला। अब महाराज ओ पत्र मदन राय जी नरसी जी रे माते भिजवा देवे। नरसी जी ने पत्र खोल देखियो, महाराज काई बताऊं मैं आपने, नरसी जी निराश नहीं होया, उन्हें सांवरिया पे भरोसा तो एक संसार रा आदमी है, छोटो सो काम जो को नहीं होयो भगवान ने ना जानो के उलाना दिन लाग जावे, ऐसो नहीं होनो चाहिए, परमात्मा रे मत विश्वास होनो चाहिए। असृष्टि टिकी है विश्वास पे टिकी है। तो महाराज नरसी जी ने ओप जो पत्र था वो ठाकुर जी रे चरणा में चढ़ा दियो और खुद भजन गावन लागा। आइए महाराज थारे ही भरोसे नैया छोड़ी रे कन्हैया, थारे ही भरोसे थारे ही भरोसे नैया छोड़ी रे कन्हैया, ओ नैया पार तो कर अभी देर न कर, नैया पार तो कर अभी देर न कर, ओ भरा सांवरिया सांवरिया हरे भरोसे नैया छोड़ी रे कन्हैया, तारे भरोसे ताली बजाने से एक तो सर्दी नहीं लगेगी और भजन में आनंद भी आएगा। जय जय श्री राधे। ओ तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी, मुझे खुशी योगी चिंता नागम मुझे सताते हैं, ना मुझे खुशी योगी चिंता नागम मुझे सताते हैं, मेरी किस्मत के दुख मुझ में
ये विश्वास जगाते हैं, मेरी किसी मती के दुख नरसिलो आयो है तेरी शरण कन्हैया। आओ नैया पारी तो करे अब देरी न करे, मारा सांवरिया सांवरिया तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी रे कन्हैया तेरे ही भरोसे। अपना मुझे बनाके चरणों से मुझे लगाके, अपना मुझे बनाके चरणों से मुझे लगाके, किस्मत बदल दे मेरी किस्मत बदल दे मुझे निर्गुण बेकाबिल को तूने ऐसा काम दिया है, तेरे नाम के गीतों को तूने मेरा नाम दिया है, भक्तों किस्मत बदल दी मेरी किस्मत बदल दी मेरी, अपना मुझे बना दे चरणों से मुझे लगा दे, किस्मत बदल दी शेठ की जय हो। महाराज आइए, हम भी नरसिंह जी के साथ साथ आज भगवान से प्रार्थना करें। कौन कौन करेगा ऊपर हाथ उठाना जरा, भगवान से प्रार्थना, किस किस को मांगना भगवान से वरदान ऊपर हाथ उठाना। अच्छा आप लोगों को नहीं मांगना, हाथ निकालो कंबल से थोड़ा कष्ट करो। आइए गाइए, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए
मेरे सर पे ही रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दो दोहा। देना हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। इज्जत क्या मांगे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, अरे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देखे जिस जिसको कन्हैया से लेने अपने दोनों हाथ उठा करके, जिसको कान्हा ने दो हाथ दिए, जिसको एक दिया वो एक हाथ और जिसको दो दिए दोनों हाथ, और ताली सेवा करते हुए कहिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, जय जय देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, और मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है करूं सेवा तेरी दिन रात, और तेना हो तो दीजिए जय हो, तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। Oh my-
हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो गाइए साथ में, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। महाराज देखो जिसो भी आवे उसो गाया करो, भाव बड़ी चीज है। गानो मने नहीं आवे पण महाराज भाव बड़ी चीज है। भगवान क्या कहता पता आपको? भगवान कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से बजे जो मुझे उसका बेड़ा पार है। अन्य धन वस्त्र और आभूषण भाव बिन लेता नहीं मैं कुछ भी, भाव से एक फूल भी दे वो भी मुझे स्वीकार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुम्हारा देखो सेवा कई तरह की होती है, ताली बजाओ ये भी सेवा होती है ठाकुर जी के दरबार में। सौभाग्य है कि भगवान ने हमको दो हाथ दिए हैं, जिनके हाथ नहीं है वो हाथों के लिए तरसते। ठाकुर जी ने मनुष्य का चोला दिया है। बोलो राधे राधे। तो महाराज अब नरसिंह जी ठाकुर जी से प्रार्थना करा, राग केदारो गायो कि ठाकुर जी प्रगट हो गया। नरसिंह जी से कहो कि बोलो भक्तराज। नरसिंह जी ने वो पत्र उठार ठाकुर जी रा हाथ दे दियो। अब महाराज तो महाराज ठाकुर जी कहो पत्री पढ़, भक्तराज तू चिंतित मती हो, मैं जानू यू सगलो काम जूनागढ़ रे आप रे परिवार रे लोगा रो है, चिंता मती करो आप। मैं चतुरंगिनी सेना के साथ में अपने पूरे परिवार को नागरों के वेश में यानी आपके परिवार के लोगों का वेश बना लें और हम सभी तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई क्या बात, भोजन नहीं करके आए? देखो मैंने भोजन नहीं किया फिर भी कितनी बोल रही हूँ, आप लोग तो पेट भर के आए होंगे। तो महाराज अब ठाकुर जी की तरफ सुन नरसिंह जी एकदम निश्चिंत हो जावे और महाराज बरातरी तैयारी कर लेवे।